जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तीन दिनों से नहीं आई कनकी के आवास टोला में बिजली। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग को लेकर बालाघाट सिवनी मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम। मार्ग के दोनों ओर घंटों बाधित रहा यातायात। जिले में लगातार बढ़ता जा रहा साइबर क्राइम का ग्राफ। व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर महिला से की गई 60,000 रुपए की धोखाधड़ी। विधायक व प्रशासन के खिलाफ वादा खिलाफी के खिलाफ व्यापारियों ने लालबर्रा बंद का किया आह्वान। 22 मई को लालबर्रा बंद के दुकानदारों से की गई अपील। अनुभव मंजार के कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने पर समर्थकों में हंस की लहर व्याप्त। लालबर्रा में समर्थकों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर मनाई खुशी। परसवाड़ा के भादुकोटा में वनवासी रामकथा के आयोजन को लेकर आयुष मंत्री ने ली प्रेस वार्ता। कार्यक्रम को आयोजन को लेकर दी गई आवश्यक जानकारी। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव दिलीप कुमार कापसे के द्वारा 5 अप्रैल 2023 को महाराणा प्रताप जयंती व पूर्व घोषणा के अनुसार ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में सोमवार 22 मई 2023 को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव दिलीप कुमार कापसे के द्वारा 5 अप्रैल 2023 को महाराणा प्रताप जयंती पर पूर्व में घोषित ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में सोमवार 22 मई 2023 को सामान्य अवकाश की घोषणा की गई। अतः इस अनुक्रमण में पुनः संशोधित करते हुए महाराणा प्रताप जयंती को छत्रसाल जयंती सोमवार 22 मई 2023 को सामान्य अवकाश घोषित किए जाने का मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव दिलीप कुमार कापसे के द्वारा किया गया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में सोमवार को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानेगांव में चोरों ने एक मकान के पीछे के दरवाजे की साकल खोलकर मकान के अंदर पेटी और अलमारी में रखे नकदी जेवरात सहित करीब 1,00,000 रुपए की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेमचंद बघेल ग्राम मानेगांव निवासी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं। 19 मई की रात्रि 10 बजे हेमचंद बघेल अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद घर के अलग अलग कमरों में सो गए थे। सुबह 6 बजे करीब हेमचंद बघेल की पत्नी उठी, जिन्होंने घर के पीछे का दरवाज़ा खुला और घर के अंदर सामान बिखरा हुआ देखा और उसने यह बात अपने पति हेमचंद को बताई। घर के अंदर अलग कमरे में रखी अलमारी और पेटी खुली हुई थी। पेटी और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, जिसमें काफ़ी जेवर व 35,000 रुपये नकदी नहीं थे। चोरों ने 19 व 20 मई के दरमियानी रात में हेमचंद बघेल के मकान के पीछे का दरवाज़ा खोलकर नकदी जेवरात सहित करीब 1,00,000 रुपए की चोरी कर ली। बिरसा पुलिस ने हेमचंद बघेल के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457-380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जिले की सीमा से लगी उगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहबर्रा में विद्युत करंट से एक युवक झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे युवक संजय पिता शुक्राम उइके 18 वर्ष ग्राम सालीटोला कानीवाड़ा जिला सिवनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों सिवनी जिले के ग्राम केवलारी से उगली तक सड़क निर्माण का काम जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी लामता के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें संजय फेवर मशीन चलाता है। 21 मई को 10 बजे करीब संजय टैंकर लेकर ग्राम मोहबर्रा खेत कुएं में पानी के लिए गया था। पानी भरने के बाद खेत कुएं की मोटर चालू करते समय संजय खेत कुएं के पास लगे विद्युत का तार जो छिले हुए थे उसके संपर्क में आ गया और उसके कंधे और सीने विद्युत करंट से झुलस गए, जिसके साथियों ने उसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। बालाघाट जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के लोगों के द्वारा सबसे अधिक कृषि कार्य किया जाता है, जिसके चलते लोगों में पशुपालन को लेकर एक अलग ही उत्साह शुरू से ही देखने को मिला। वहीं पशुपालन को रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाता है, जिसके चलते दुधारू व उपयोगी मवेशी का पालन किसानों के द्वारा किया जाता है।
ताकि उसके माध्यम से जीविका अर्जन किया जा सके। आपको बताया कि बालाघाट जिले में दुग्ध उत्पादन शुरू से ही काफी अच्छा रहा। दुग्ध केंद्र में किसानों से प्राप्त दूध का अच्छा रेट दिया जाता था, जिसके चलते किसानों के द्वारा अपने दूध का विक्रय दूध केंद्र में ही किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दुग्ध की आवक घट जाना बताया जा रही है। प्रतिदिन दुग्ध केंद्र में पहले जितना दूध आता था उतना नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मूल कारण का पता लगाने विभाग उतना गंभीर नजर नहीं आ रहा है। जो पॉलिसी दुग्ध संघ के द्वारा चलाई जा रही है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो दुग्ध की आवक बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के अनुसार लगभग 8 से 10 वर्ष पूर्व इसी दुग्ध केंद्र में 15,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंचता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दुग्ध केंद्र में प्रतिदिन 7 से 8 हज़ार लीटर दूध ही पहुंच पाता है। दुग्ध की आवक क्यों कम हो गई इसकी जानकारी के लिए पता किया गया तो पता चला कि प्राइवेट एजेंसियां भी दूध का क्रय करती है, जिसके कारण बहुतायत दूध प्राइवेट एजेंसियों में ही डायरेक्ट चला जाता है। इसके कारण किसानों का दुग्ध केंद्र में नहीं पहुँच पा रहा है। जिले में बालाघाट दुग्ध केंद्र से जुड़ी हुई 121 समितियां हैं। पहले 111 दुग्ध समितियां ही थी, लेकिन उसमें से 10 समितियों की वृद्धि हुई। वर्तमान में बालाघाट दुग्ध केंद्र से जुड़े 2200 सदस्य, जिनमें से 1648 किसान दूध देते हैं। बताया जा रहा है कि पहले दुग्ध केंद्र को बहुत तवज्जो दिया जाता था, क्योंकि यहाँ से दूध पैकेट बनाए जाते थे। इसके अलावा दूध से संबंधित अन्य उत्पाद तैयार कर विक्रय किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ दूध ही भिजवाया जाता है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट एजेंसियों का व दुग्ध केंद्र का जो रेट है वो लगभग समान नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्राइवेट एजेंसियां 10 दिन में पेमेंट करती है, तो वहीं दुग्ध केंद्र के द्वारा माह में एक बार पेमेंट किया जाता है। सबसे खास बात यह होती है कि प्राइवेट एजेंसियों के जो एजेंट रहते हैं उन्हें दुग्ध संग्रहण के लिए खरीदी पर कमीशन दिया जाता है, जिसके चलते प्राइवेट एजेंसियों के एजेंट दुग्ध खरीदी के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसी कारण किसानों का दूध प्राइवेट एजेंसियों में ज़्यादा जा रहा है। यदि दुग्ध संघ के द्वारा पॉलिसियों में परिवर्तन कर दिया जाए, रेट में कुछ बढ़ोतरी कर दी जाए, किसानों व समितियों को भुगतान व्यवस्था में माह में दो बार कर दिया जाए तथा दुग्ध संग्रहणकर्ता से ज़्यादा दूध केंद्रों में पहुँचे, इसके लिए समय समय पर कुछ स्कीम भी चलाई जानी चाहिए, ताकि दुग्ध केंद्र की ओर समितियाँ व दुग्ध उत्पादक किसान का झुकाव हो, तभी यह दुग्ध केंद्र किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी आवास टोला के ग्रामीण उस वक्त आक्रोशित हो गए जब विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के द्वारा उनके आवास टोला में तीसरे दिन भी बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए रविवार को ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग पर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की। उधर ग्रामीणों के इस चक्का जाम से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई व आवागमन व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही लालबरा के थाना प्रभारी अमित भावसार, तहसीलदार और विद्युत विभाग के अधिकारी अपने दल बल के साथ मौका स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर चक्का जाम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत कनकी आवास टोला स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते 18 मई की रात्रि से आवास टोला में लाइट गोल है, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा सरेका 2 विद्युत कार्यालय में दी गई थी, किंतु विद्युत कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा 3 दिन बाद भी विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं की गई। यहाँ गाँव में 3 दिनों से बिजली न होने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा बिजली से संबंधित अन्य सेवाओं का लाभ भी ग्रामीण जन नहीं ले पा रहे थे, जहां बार बार आवेदन निवेदन करने पर भी समस्या का समाधान न होने से नाराज ग्रामीणों ने रविवार की शाम करीब 4 बजे कनकी आवास टोला बालाघाट सिवनी मुख्य मार्ग पर लकड़ी के डूडे बिछाकर चक्का जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। Yeah.
हो गया भैया, हमारे हॉस्टल में लाइट नहीं है, बस्तियों में लाइट है, सब जगह लाइट है, हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे, रात में कुछ भी नहीं हो रहा है। जब बटालियन की लाइट आई थी हमारी इधर पूरी लाइट मिलती थी, तो बस्ती वालों ने बोले कि लाइट नहीं होना इधर, जब उधर नहीं होना इधर भी नहीं होना, ऐसे बोले। लेकिन हम लोगों को लाइट नहीं दी, वहाँ की लाइट काट दी, उड़ गया, वो लोग बोल रहे पाँच दिन लाइट नहीं है। तो पूरे गाँव की गोल है या सिर्फ टोले की गोल है? टोले की गोल है भैया पूरी। कौन सा टोला आता है ये? कनकी। तो अभी कैसा करेंगे, क्या दिक्कतें हो रही है? बच्चे सो नहीं पा रहे, पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, गर्मी से आदमी पूरा मर रहा है। हमको लाइट होना बस, बस बटालियन से मिले या चाहे बस्ती से मिले, हमको भैया ट्रांसफार्मर जोड़ के दे, कहीं से भी लाइट दे बस, लाइट होना हमको अभी के। मेरा कहना ये है सर, जैसे हम लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर के गर्मी में हम लोग परेशान हैं, पानी की समस्या है, पानी नहीं, पानी बाहर से हम लोग टैंकर से उससे बुलाए हैं, अभी जो है चार चक्का पिकअप से पानी बुलाए ड्रम रख करके, उसके बावजूद जो है कल सुबह की, आज सुबह की बात हुई थी, अभी सुनने में आया कि मैं बोल रहे हैं 3 दिन लगेगा, फिर कल सुबह कर देंगे, ये बहानाबाजी कर रहे हैं। रात भर बाल बच्चों को लेकर के आदमी परेशान यहाँ बढ़ा हुआ है, यदि हम लोग वहाँ परेशान हैं तो यही परेशान रहेंगे, यही बनाएंगे खाएंगे, यही पड़ा रहेंगे। क्या यहाँ की लाइट इस वजह से गोल हुई, वजह कोई अधिकारी लोग नहीं बता रहे, तो आपको भी नहीं पता किस वजह से गोल हुई है? गोल होने का कारण ये है कि यहाँ से साफ सर्किट के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर है, अब कहाँ से हुआ है क्या हुआ है ये अपने को पता नहीं। कितनी आबादी होगी गांव की? आबादी गांव की तो अब ये समझ लीजिए कि आबादी है वो भी कम से कम नहीं तो 3-4-5 हजार बाल बच्चे, यानी कुल मिला के पूरे गाँव की बिजली को ले 10 हजार से कम नहीं है। सर 19-20 का पंच प्रतिनिधि हूँ। सर 19 तारीख के रात में 10 बजे से लाइट गई हुई है, हमने सब इंजीनियर से बात करे, सब ने प्रतिनिधि से बात करे, लाइनमैन से बात करे, वो बोल रहे थे कि 8 लग जाएगी सुबह, फिर सुबह बात करे 10 बजे तक बोले कि फिर लग जाएगी, फिर 10 बजे के बाद बोलते हैं कि आज नहीं लगेगी, कल लगेगी 8 बजे। तो इसीलिए सर यहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, नल जल योजना चालू सर कुछ नहीं है, इसलिए सर चक्काजाम करा गया। अब लाइट लग जाएगी तो सर अभी सब लोग हट जाएंगे, अगर अभी नहीं लगती तो सर अभी चक्काजाम ही रखेंगे बोल रहे। कौन से केंद्र से सप्लाई होती है यहाँ पे? सर ये होती है सर सरेगा 2। तो वहाँ के अधिकारी आए थे? वहाँ के अधिकारी से बात कर रहा हूँ मैंने सर, रात सुबह भी लगाया हूँ फोन मैंने, तो उन्होंने बोले कि लग जाएगी सुबह तक, फिर भी अभी तक नहीं लगी, और अब बोल रहे हैं कि कल लगेगी, फिर अभी फोन आया उनका तो वो बोल रहे हैं कि अभी लगा देते हैं। तो कब तक रहेगा ये चक्काजाम? सर जब तक लाइट नहीं लगती बोल रहे हैं, जब तक हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक। वही काफी देर तक चले इस चक्काजाम के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर लेकर वहां पहुंचे, ट्रांसफार्मर आने के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम खत्म कर दिया। ये ट्रांसफार्मर कल शाम को खराब हुआ था, परंतु आज जो है पीएससी एग्जाम के कारण हमारी सप्लाई बंद नहीं कर पा रही थी, निर्देशन पर नहीं करना था, ट्रांसफार्मर अभी आगे जगह पे लगा। बालाघाट नगर पालिका के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा मुंजारी ने 21 मई को भोपाल में कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर व्याप्त है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड में 21 मई को अनुपमा मुंजारी के भोपाल में कांग्रेस पार्टी का दामन थामने पर खुशी जाहिर करते हुए उनके समर्थकों के द्वारा जमकर आतिशबाजी व मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। आपको बता दें कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालाघाट के रह चुके अनुपम मुंजारी के द्वारा कांग्रेस पार्टी का दामन थामने की अटकलें विगत कई दिनों से चल रही थी, जिस पर 21 मई को तब विराम लग गया जब लोगों को पता चला कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय भोपाल में श्रीमती अनुपम मुंजारी ने बेटे सहित दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रमुख उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की और उन्हें कांग्रेस की सदस्यता पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनाकर दिलवाई गई। अनुपम मुंजारी की कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेने की जानकारी लगने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर व्याप्त है। एक नारी 70 भारी, एक नारी 70 भारी, अनुपम मुंजारी जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुपम मुंजारी जिंदाबाद। एक आज बहुत ही जिले में हर्ष का विषय है कि आज हमारे बालाघाट जिले में
सिर्फ एक ही परिवार क्रांतिकारी विचारधारा का था, वो है मुजारे परिवार। और हमारी जो भाभी है श्रीमती अनुपमा मुजारे, वे लगातार इस बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष करती रही और गरीबों की आवाज़ बनती रही। और गरीबों की आवाज़ के कारण इस बार उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि चारों तरफ से जनता की एक आवाज़ आ रही थी कि अनुपमा मुजारे कांग्रेस में आए, अनुपमा मुजारे कांग्रेस में आए। तो जनता की आवाज़ पर उनने आज फैसला लिया और माननीय कमलनाथ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज विधिवत उनने भोपाल में आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने वहाँ पर आज कांग्रेस की सदस्यता ली। क्या है, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि विगत लाल बर्रा में जो 38 सालों से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक ही व्यक्ति ने जो अंगद की तरह पैर जमा के रखा है, 38 साल यहाँ पे हमारे गौरी शंकर जी बिसेन द्वारा यहाँ पर राज कर रहा है, और उनको अगर कोई अगर धूल चटा सकता है तो उसे अनुभव मुजारे जी है। और इसी कारण आज हम लोगों ने भी फैसला लिए कि अभी तक क्या हुआ कि बालाघाट विधानसभा में खास तौर पर गौरी शंकर जी वोटों को विभाजन कर चुनाव जीतते थे। अनुभव मुजारे एक तीसरी शक्ति के रूप में चुनाव लड़ती थी और वोटों का डिवाइडन होता था, और उससे गौरी शंकर बिसेन बहुत आसानी से चुनाव जीत जाते थे। लेकिन इस बार पूरी लालबर्रा क्षेत्र की जनता ने अर्जुन बरकर सिर्फ मछली की आँख के तरफ निशाना बनाए, और जैसे अर्जुन ने मछली की आँख की तरफ देखा, इस बार जो गौरी शंकर जी को चुनाव में निपटा सकता है, जो गौरी शंकर जी को हरा सकता है, और इस रूप में सिर्फ एक ही चेहरा है बालाघाट में, वो है अनुभव मुजारे का। और अनुभव मुजारे के रूप में ये चेहरा लोगों को दिखा, इसलिए आज पूरे लालबर्रा क्षेत्र में हर्ष का व्यक्त है। और आज हम इसी के कारण हम लोगों ने सबने यहाँ पर आतिशबाजी करके हरी जी कांग्रेस में शामिल हुई, हम उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं। कैसे क्या रणनीति रही आगामी समय में? आगामी समय में उनके आने, अनुभव मुजारे के आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, गरीब मजदूरों की नेता है। जो वोटों का विभाजन और जो वोटों का विभाजन होता था वो नहीं होगा, यहाँ कांग्रेस की ही विधायक बनेगी। रविवार को जिले के 18 परीक्षा केंद्रों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया गया, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, तो वहीं दूसरी पाली 2:15 से 4:15 तक आयोजित की गई। 21 मई को जिले के 18 केंद्रों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 6,855 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें प्रथम पाली में लगभग 5,071 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 1,784 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में लगभग 5,026 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 1,829 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आयोग के निर्देश के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें पुलिस विभाग के द्वारा दोनों पालियों में पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद के रूप में देखी गई। वहीं प्रथम पाली के प्रश्न पत्र हल के बाद कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से उनके द्वारा तैयारी की गई थी उस हिसाब से प्रश्न पत्र नहीं आया, तो वहीं कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा बताया गया था कि पेपर काफ़ी सरल आया। कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा बिना कोचिंग के द्वारा यह परीक्षा तैयारी की गई थी, जिस कारण परीक्षा थोड़ी कठिन लग रही है, किंतु सतत तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि वह लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस कारण उन्हें इतना कठिन पेपर नहीं लग रहा है। एमबीपीएससी का प्रीलिम्स कितने चरणों में हो रही है एग्जाम? तो ये तो पहला जनरल स्टडीज होता है, उसके बाद फिर ठीक है। कैसा गया आपका पेपर? मेरा तो ठीक ही गया, बाकी अभी मैं आंसर चेक वेक नहीं किया, तो बता नहीं कर। अच्छा, जिस प्रकार से तैयारी किए थे उससे आया या पेपर थोड़ा टफ लगा, क्या लगा? मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट था, मैं ज़्यादा समय से तैयारी नहीं किया था। अच्छा। अभी एक दो महीने से ही थोड़ा पढ़ रहा था, तो फिर पेपर तो ईजी आया था, मतलब पढ़ने वालों के लिए ईजी ही था, बाकी मुझे थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन थोड़ा हार्ड लगा। आप पेपर एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, आर्टिकल्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पिछले बार की अपेक्षा, इस बार थोड़ा हार्ड था पेपर। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं तो इस बार पिछले बार ऐसे ही दिया था एग्जाम, इस बार तैयारी से दी हूँ, फिर भी थोड़ा हार्ड लगा। इसमें सेल्फ स्टडी किए थे या सेल्फ स्टडी? अभी अभी हमने यहाँ ज्वाइन किए थे कोचिंग क्लासेस। अच्छा, जो जिला प्रशासन की कोचिंग चल रही है, तो उसका कितना फायदा मिला आपको? वहाँ का फायदा बहुत मिला कि वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन आए, जो सर ने ऐसे ही हमको पहले डेमो क्लास जो दिए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे।
जीते काय की परीक्षा थी और कितने बच्चे एब्सेंट हैं? मध्य प्रदेश जो सिविल सर्विस की परीक्षा जो है वो आज आयोजित हुई है, इस सेंटर में कुल 400 और प्रथम पाली में 400 में से 92 बच्चे अनुपस्थित हैं और 308 बच्चे प्रेजेंट हैं। द्वितीय पाली में 400 में से 97 बच्चे अनुपस्थित हैं और 303 बच्चे प्रेजेंट हैं। कुल टोटल कितने बच्चे थे? 400 बच्चे इस सेंटर में बैठे हुए थे और परीक्षा बहुत शांतिपूर्वक और बहुत बढ़िया चल रही है। सभी आयोग द्वारा जो निर्देश दिए गए थे वो सारे निर्देश पूरे कर दिए। इन दिनों जिले में साइबर अपराध का दायरा अब दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। साइबर ठगों के द्वारा एक के बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन को हैक कर रहे हैं। इन दिनों जिले में लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप पर हैकर की काफ़ी पैनी नज़र है। कुछ महीने पहले करीब 20 लोगों ने अपना टेलीग्राम अकाउंट हैक होने की शिकायत दर्ज कराई थी। अब व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की शिकायत भी आ रही है। व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का यह जिले का पहला मामला है, जिसमें एक महिला को हैकर ने उसकी सहेली का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर 60,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में इन दिनों साइबर ठगों के द्वारा ठगी के नए नए तरीके अपनाकर जिले की भोली भाली जनता से गाली कमाई ऐंठने का काम किया जा रहा है। इसके पहले साइबर ठगों के द्वारा बैंक के खातों की डिटेल या फिर UPI पिन के माध्यम से ठगी की जाती थी, परंतु इस बार साइबर ठगों के द्वारा व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर उसमें मैसेज कर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। ताज़ा मामला बालाघाट जिले के वारासुनी थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से ठगी की गई, जिसमें पीड़ित महिला ने कोतवाली स्थित साइबर नोडल शाखा में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए बैंक खाता नंबर और नंबरों की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का जिले का पहला मामला है। महिला के साथ 60,000 रुपये की ठगी हुई है। यह वारासुनी में रहने वाली महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी सहेली नागपुर में रहती है। 2 दिन पहले उसके व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज आया कि उसे 60,000 रुपये की ज़रूरत है। मैंने उससे बैंक अकाउंट नंबर मांगा। फोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर डालने पर अन्य नाम प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जब मैंने कुछ देर बाद सहेली से संपर्क कर पैसे मिलने की पुष्टि की तो सहेली ने पैसे के लिए कोई मैसेज करना नहीं बताया। सहेली ने नागपुर में नज़दीकी थाने में अपना व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की शिकायत दर्ज कराई।